स्वामी जी, क्योंकि आपने जितने भी उपाय बताए हैं उसकी सबकी एक ही मूल मंत्र है कि आपने अपने फेफड़ों को कैसे मजबूत रखना है, और साथ ही साथ जिनके फेफड़े मजबूत नहीं है उन्हें भी क्या करना है, हम आगे कार्यक्रम में बताते रहेंगे। लेकिन आज लोगों का एक मिथ भी तोड़ना है स्वामी जी, क्योंकि देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एस्थमेटिक हैं, और उनमें से तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनके लिए एक्सरसाइज यानी कि कसरत करना नुकसानदायक हो सकता है, जबकि एस्थमा पेशेंट को सिर्फ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से बचने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं है। योगा एक्सरसाइज तो उल्टे आपको फायदा पहुंचाता है, और क्या मैं सही कह रहा हूं स्वामी जी? क्योंकि अगर हाँ है तो स्वामी जी, एस्थमा के मरीज कौन कौन से योग अभ्यास कर सकते हैं, एक्सरसाइज उसका करवा दीजिए, और कहीं गलत होगा तो मुझे पकड़ के पीटेंगे लोग स्वामी जी। बहुत सारे मिथ ऐसे ही हमने पाल रखे हैं। अब बोले हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है तो कपालभाति नहीं करना, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसे ही बोले हर्निया है तो एक्सरसाइज नहीं करना, और बोले बुखार है तो योग ही नहीं करना। अरे बुखार है तो सूक्ष्म व्यायाम करो, शीतली शीतकारी प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, बुखार ठीक हो जाएगा। ऐसी ये जो भ्रांति है ना योग के बारे में बहुत ज्यादा है, बच्चों को लेकर के, गर्भवती महिलाओं को लेकर के, अलग अलग आयु वर्ग को लेकर के, मजहबी तौर पर ईसाई है इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिज्म को, समाजवाद को, लेनिन मार्क्स माओवाद को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर बोले योग नहीं करना, ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हो गई। सबको योग करना है, हाँ ऐसा योग नहीं करना कि जैसे उस दिनों छोटे बच्चा का आपने चित्र दिखाया कि उसको इतना दौड़ाया कि उसका हार्ट अटैक ही हो गया, हार्ट अटैक हो जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही फेल हो जाए, ऐसा योग नहीं करना। लेकिन हमको सहज योग, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सर्वहितकारी और सर्वसुलभ है, ये तो कितना अच्छा है ना, होले होले। तो ये मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, कठिन योग जो हमारे सन्यासी बालक करने में लगे हैं। हाँ अब ऐसा तो सब ना कर सकेंगे तो कोई बात नहीं ना, जितना बन पाए उतना ही करो ना। अब पूर्ण भुजंगासन नहीं बन पा रहा है तो भुजंगासन ही कर लो, और सुबह उठ करके मैं तो कहता हूँ एक बार शंखनाद कर लो। देखो सबके घर में शंख होना चाहिए। ऐसे लंबा करीब हम तो 1 मिनट तक 2 मिनट तक बजा सकते हैं, ऐसा लंबा शंख फूकना चाहिए। अब ये स्वासारी प्रवाही है, स्वासारी अवले है, ये बाल च्यवनप्राश, च्यवनप्राश, कुछ लोगों में ये भी भ्रांति है कि जो है च्यवनप्राश तो सर्दियों में खाया जाता है। अरे जिनको सांस, दमा, कफ, कोल्ड, अस्थमा से फेफड़े कमजोर है, ये तो च्यवन ऋषि बूढ़े थे, उन्होंने खा करके जवानी पाली, ये कोई गर्मी के लिए नहीं, ये फेफड़ों को ताकत देने के लिए, अंदर के फेफड़ों के म्यूकस के लिए, इन्फ्लेमेशन, फेफड़ों के अंदर की कमजोरी के लिए है ये। हाँ हमारे देखो शरीर के अंदर डेली, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे शरीर के अंदर डेली जो है कितना जबरदस्त ऑक्सीजन जाता है, 11,000 लीटर ऑक्सीजन जाता है स्वामी जी, और 1,15,000 बार हमारा हार्ट धड़कता है, फेफड़ा धड़कता है। अब उसको आप 2,400 किलोमीटर लंबा है, उसको प्राणी पूरा नहीं दोगे तो फिर तो प्राण निकलेंगे, दमा फूलेगा ही, दम निकलेगा ही, ऐसे करना चाहिए। स्वासारी, ब्रोनकोम, दूध में हल्दी, सलाद, घी, चिकनाई, खटाई, ये खतरनाक है, घी खाते तो चक्का जाम हो जाएगा अंदर।